सो हमने नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट डिस्कस कर लिए, आज हम चलते हैं नर्वस सिस्टम के चौथे पार्ट की तरफ। माई सेल्फ वनीश सुथार और मेरे चैनल का नाम है टेक इन नर्सिंग ज्ञान। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यस गाइस, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने तीन पार्ट डिस्कस किया, चौथा पार्ट है और ये 25 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ मैं, जो एनक्लेक्स बेस्ड है, प्रायोरिटी बेस्ड है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, पर ये 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। चलिए गाइस, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द नर्स इज टीचिंग अ फीमेल क्लाइंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। व्हेन टीचिंग द क्लाइंट हाउ टू रिड्यूस फटीग, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू। अब यहाँ पर पूछा गया, कहा क्या गया कि पेशेंट हैविंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस दैट मीन्स डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरोन्स। ये क्वेश्चन अभी एम्स के अंदर आया था। एम्स के अंदर क्या पूछा गया था? एम्स के अंदर पूछा गया था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। जोधपुर के अंदर कंबाइंड के अंदर पूछा गया था डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरोन्स ऑफ CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोन्स का डीमाइलिनेशन होना वो तो कहलाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लेकिन PNS के न्यूरोन्स का डीमाइलिनेशन होना उसको अपन बोलते हैं GBS, दैट इज़ कॉल्ड गुलेन बार सिंड्रोम। इसको कहा जाता है गुलेन बेरी सिंड्रोम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीमाइलिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो वो कहलाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लेकिन डीमाइलिनेशन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का है तो वो कहलाएगा आपका GBS। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था एम्स कंबाइंड के अंदर। चलिए, तो अब इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे? ऑप्शन वन, टेक अ हॉट बाथ। ऑप्शन बी, रेस्ट इन एन एयर कंडीशन रूम। ऑप्शन सी, इंक्रीज द डोज ऑफ मसल रिलैक्सेंट। एंड डी, अवॉइड नैप्स ड्यूरिंग डे। तो ऑप्शन ये आपको पूछा गया है कि क्लाइंट कैसे फटीग को रिड्यूस करेगा। फटीग रिड्यूस करना है तो उसको क्या करना है, एक अच्छे से कमरे में, कूल कमरे के अंदर ठहरना होगा, रहना होगा, रेस्ट करना होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बी, रेस्ट इन एयर कंडीशन रूम। उसको एयर कंडीशन रूम के अंदर सोना होगा, क्योंकि डीमाइलिनेशन से, तो डीमाइलिनेशन न्यूरॉन है जिसकी वजह से कई बार प्रिकिंग सेंसेशन, पैरेस्थीसिया हो सकता है, तो पैरेस्थीसिया हो सकता है। और तो हाँ, पेशेंट को कहाँ रेस्ट करना है? एयर कंडीशन रूम के अंदर रेस्ट करना है। तो राइट आंसर इज योर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ मेल क्लाइंट इज हैविंग अ टॉनिक क्लोनिक सीजर, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। अब पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक सीजर है तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। ऑप्शन बी, रिस्ट्रेन द क्लाइंट्स आर्म एंड लेग्स। प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ। डिड टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। अगर किसी पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक सीजर आता है तो पेशेंट को क्या करना है? पेशेंट को हमें क्या करना है? तो पेशेंट को इंजरी से बचाना है, राइट? पेशेंट को इंजरी से बचाना है या फिर आपको एयरवे मेंटेन करना है। पहला प्रायोरिटी आपको पेशेंट को क्या करना है? तो पेशेंट को आपको करना है प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से बचाना है। इंजरी से कैसे बचाओगे आप? इंजरी से हम हाइट ऑफ द बेड लो करके, डिक्रीज हाइट ऑफ द बेड, या फिर आप क्या कर सकते हो, हाइट ऑफ द बेड डिक्रीज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, हाइट के अलावा और क्या किया जा सकता है? यस, साइड ड्रिल्स हैं तो उन साइड ड्रिल्स को अप करना है। साइड ड्रिल्स को अप कर सकते हैं, साइड ड्रिल्स को अप करना है। तो कैसे करेंगे? एक तो साइड ड्रिल को अप करना है, दूसरा डिक्रीज हाइट ऑफ द बेड। ये चीज़ें आप करके तो आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर इज योर डी, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, अ फीमेल क्लाइंट विद गुलेन बार सिंड्रोम हैज पैरालिसिस अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी मसल एंड रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन। व्हेन द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स अबाउट द पैरालिसिस, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। तो गुलेन बेरी सिंड्रोम है, तो गुलेन बेरी सिंड्रोम के अंदर पेशेंट को पैरालिसिस हुआ, ऑब्वियसली डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ, PNS का डीमाइलिनेशन हुआ, और PNS का डीमाइलिनेशन हुआ जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो नर्स इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करेगी? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए That is, you may have difficulty believing this, but the paralysis caused by disease is temporary, right? ये आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन जो पैरालिसिस है वो टेम्परेरी है। ऑप्शन बी, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर परमानेंट पैरालाइज्ड, हाउएवर यू वांट हैव एनी सेंसरी लॉस। कि कहना ये चाह रहा है कि आपको परमानेंट पैरालिसिस है, अभी कभी ठीक नहीं होगा। इट मस्ट बी हार्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंसी ऑफ योर पैरालिसिस, अभी उचित नहीं होगा कि आपका ये जो पैरालिसिस है वो कंप्लीट ठीक होगा, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। यू विल फास्ट रिगेन यूज ऑफ योर लेग्स एंड देन योर आर्म्स। पहले आप लेग्स की रिकवरी होगी, फिर आर्म्स की रिकवरी होगी।
बट यहाँ पर GBS क्या है, GBS इज योर टेम्पररी डिसऑर्डर, दैट इज नॉट परमानेंट। जैसे ही आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक होता है तो धीरे 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 पेशेंट के अंदर जो पैरालिसिस है वो रिकवर हो जाता है। जैसे डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन है दैट बिकम माइलिनेटेड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज योर ए, यू मे हैव डिफिकल्ट बिलीविंग दिस बट द पैरालिसिस कॉज्ड बाय द डिजीज इज टेम्पररी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज योर ए, राइट आंसर क्या होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नर्स इज वर्किंग ऑन अ सर्जिकल फ्लोर, द नर्स मस्ट लॉग रोल अ मेल क्लाइंट फॉलोइंग। अब कौन से पेशेंट को लॉग रोल करेंगे, सर्जिकल वार्ड में काम कर रही है तो इनमें से कौन सा पेशेंट ऐसा जिसको लॉग रोल किया जाए। तो लॉग रोल किसको किया जाए, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या स्पाइन के अंदर कोई ऑपरेशन हो रखा, ऐसे पेशेंट को वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कोई ऑपरेशन हो रखा जहाँ स्पाइन की इंजरी के चांसेस है, ऐसे पेशेंट को लॉग रोलिंग की जाता है। लेट मी नो द विच पेशेंट हैव लॉग रोलिंग, ऑप्शन ए लेमिनेक्टोमी, ऑप्शन बी हेमोराइडेक्टोमी, ऑप्शन सी सिस्टेक्टोमी, ऑप्शन डी थोरेकोटोमी। तो विच पेशेंट है, तो राइट आंसर इज योर देर हेमोराइडेक्टोमी नो, सिस्टेक्टोमी नो, थोरेकोटोमी नो। तो राइट आंसर इज योर ए लेमिनेक्टोमी, राइट, क्योंकि लेमिनेक्टोमी में आपका डिस्क अगर प्रोलैप्स है तो उस डिस्क को बाहर निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीमेल क्लाइंट विद सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर इज शेड्यूल्ड फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर दिस टेस्ट। अब किसी पेशेंट को सीटी स्कैन कराया जा रहा है सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर को, नर्स को क्या करना है, तो नर्स को क्या करना है, ए इमोबिलाइज द नेक बिफोर द क्लाइंट इज मूव्ड ऑन टू अ स्ट्रेचर। इमोबिलाइज तब करेंगे जब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, इफ़ देर इज ट्रामा इन हेड, हेड के अंदर ट्रामा है तब हम इमोबिलाइज करेंगे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है, यहाँ ब्रेन ट्यूमर कहा है। ऑप्शन बी डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट इज एलर्जिक टू आयोडीन कॉन्ट्रास्ट डाई और शेलफिश। ऑप्शन सी प्लेस अ केप ओवर द क्लाइंट्स हेड, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर अ सेडेटिव एज ऑर्डर। तो राइट आंसर होगा, क्योंकि जब आयोडीन एलर्जी होती है तो जो आयोडीन डाई है वो सिटी कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, और सिटी कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या ऐड किया जाता है, तो सिटी कॉन्ट्रास्ट के अंदर आपका सिटी कॉन्ट्रास्ट में आयोडीन डाई को ऐड किया जाता है, सिटी कॉन्ट्रास्ट के अंदर आयोडीन डाई को ऐड किया जाता है सिटी कॉन्ट्रास्ट, और इसमें आयोडीन डाई को ऐड करते हैं आयोडीन डाई, और जब आयोडीन डाई बॉडी के अंदर या तो कॉन्ट्रास्ट है और ये आयोडीन डाई क्या करेगी, ये आयोडीन डाई रिएक्शन कर सकती है, और जिसकी वजह से अगर आयोडीन एलर्जी है तो ऐसे पेशेंट को हम आयोडीन डाई दे ही देंगे। तो पेशेंट को पहले कंफर्म कर लेना उसको आयोडीन एलर्जी नहीं है, शेलफिश जो समुद्र के अंदर मछलियाँ है वो भी आयोडीन युक्त होती है, तो पेशेंट को आयोडीन एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो डाई होती है वो आयोडीनाइज्ड होती है जिसकी वजह से पेशेंट को रिएक्शन हो सकती है, राइट। तो राइट आंसर इज योर बी डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट इज एलर्जिक टू आयोडीन कॉन्ट्रास्ट डाई और शेलफिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ड्यूरिंग अ रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन टू असिस अ मेल क्लाइंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, द नर्स शुड मेक श्योर इट। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को असिस करती है तो नर्स को क्या श्योर करना है, राइट, असिस अ मेल क्लाइंट टू डीप टेंडन रिफ्लेक्स, तो नर्स शुड, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यूज द पॉइंटेड एंड ऑफ द रिफ्लेक्स हैमर व्हेन स्ट्राइकिंग द अचिल्स टेंडन। अब अचिल्स टेंडन को स्ट्राइक करेगा तो पॉइंटेड हेड को तो नहीं करना है, अचिल्स टेंडन है ये आपका, अचिल्स टेंडन है, राइट, तो अब इस पे पॉइंटेड मारेंगे तो पेशेंट को ट्रॉमा हो सकता था। यहाँ पर आपको कौन सा मारना है, दैट इज योर ब्लंट एंड, तो टेंडन को चेक करने के लिए हम ब्लंट एंड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी सपोर्ट द जॉइंट वेयर द टेंडन इज बीइंग टेस्टेड, तो ये सही है क्योंकि इस पेशेंट को जो सपोर्ट करना है जॉइंट को जब आपका हैमर को टैप करते हैं। ऑप्शन सी टैप द टेंडन स्लोली एंड सॉफ्टली, देखो टेंडन को स्लोली और सॉफ्टली करना है। डी होल्ड द रिफ्लेक्स हैमर टाइटली, हैमर है उसको दोनों फिंगर के बीच आपको टाइटली नहीं लूजली करना है और उसको जोर से मारना, सॉफ्टली नहीं जोर से मारना है ताकि टेंडन्स के अंदर जो मूवमेंट है उसको हम पता लगा सके। तो राइट आंसर इज योर बी सपोर्ट द जॉइंट वेयर द टेंडन इज बीइंग टेस्टेड और नॉट, तो राइट आंसर इज योर बी। या चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, अ फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड इन अ डिसऑरियंटेड एंड रेस्टलेस स्टेट आफ्टर सस्टेनिंग अ कंफ्यूजन ड्यूरिंग अ कार एक्सीडेंट, राइट, विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इन दिस क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। तो फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड इन अ डिसऑरियंटेड एंड रेस्टलेस स्टेट आफ्टर सस्टेनिंग अ कंफ्यूजन ड्यूरिंग ए कार, तो एक कार एक्सीडेंट के बाद एक पेशेंट जो है वो डिसऑरिएंटेड हो गया और रेस्टलेस हो गया, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। ऑप्शन ए डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, ऑप्शन बी सेल्फ केयर डेफिसिट ड्रेसिंग ग्रूमिंग इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिस्क फॉर इंजरी। तो जब पेशेंट आपका डिसऑरिएंटेड है और रेस्टलेस है तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है, वो भागेगा
तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या हो सकता है, रिस्क फॉर इंजरी। तो पहली प्रायोरिटी कि उस पेशेंट को, क्योंकि रेस्टलेस है और डिसऑरिएंटेड, उसको कुछ पता नहीं है तो अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है, तो पहला जो प्रायोरिटी बनेगी वो क्या बनेगी, रिस्क फॉर इंजरी। तो राइट आंसर इज योर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अ फीमेल क्लाइंट विद एमाइलोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS है किसी पेशेंट को, टेल्स द नर्स, समटाइम्स आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड आई कांट डू एनीथिंग विदाउट हेल्प। दिस कमेंट बेस्ट सपोर्ट विच नर्सिंग डायग्नोसिस। तो पेशेंट कहता है MILO, क्योंकि इसके अंदर वीकनेस, मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है और मस्कुलर वीकनेस की वजह से कई बार वो चाहते हुए भी उस काम को नहीं कर पाता। समटाइम्स आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड आई कैन डू एनीथिंग विदाउट हेल्प। बिना किसी, क्योंकि मसल वीकनेस है और वो उठ नहीं पाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, वो हेल्पलेस फील करता है, पावरलेस फील करता है। तो दिस कमेंट बस बेस्ट सपोर्ट विच नर्सिंग डायग्नोसिस। ऑप्शन ए एंग्जाइटी, ऑप्शन बी पावरलेसनेस, ऑप्शन सी इनफेक्टिव डेनियर, और डी रिस्क फॉर डिस्यूज सिंड्रोम। तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट पावरलेस फील करता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मसल वीकनेस है, तो पेशेंट लाइक पावरलेसनेस। तो राइट आंसर इज योर बी, पावरलेसनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर इज योर बी। फॉर अ मेल क्लाइंट विद सस्पेक्टेड ICP, ए मस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी गोल इज। अब किसी पेशेंट को इंक्रीज ICP, ऐसा लग रहा है कि ICP बढ़ा हुआ है, तो क्या गोल होगा। ऑप्शन ए प्रिवेंट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ऑप्शन बी लोअर आर्टरियल pH, ऑप्शन सी प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, डी मेंटेन पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टरियल ऑक्सीजन अबाउ 80 mmHg। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स कंबाइंड के अंदर, भोपाल के अंदर भी पूछा गया था, कंबाइंड के अंदर भी पूछा गया था, अगर किसी पेशेंट का ICP बढ़ा हुआ है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी गोल क्या होगा। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी गोल समझिएगा कि जब अगर पेशेंट के अंदर एसिडोसिस होता है, तो एसिडोसिस होता है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर ICP बढ़ सकता है, और जितना आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो वो क्या करता है, वीनो कंस्ट्रिक्शन करता है, सेरिब्रल वासो कंस्ट्रिक्शन करता है और ICP को रिड्यूस करता है। तो बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को हमें कम करना रहेगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा उतना ही क्या होगा, एसिडोसिस भी कम होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को प्रमोट करना रहेगा आपको, राइट। बट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अगर आप प्रिवेंट करोगे तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस बढ़ेगा, और जितना एसिडोसिस बढ़ेगा उतना ही आपका ICP बढ़ेगा। तो हमें CO2 को प्रमोट करना है, CO2 को बाहर निकालना, और CO2 को बाहर निकालेंगे तभी क्या होगा, पेशेंट का ICP रिड्यूस होगा। जितना CO2 कम होगा उतना ही, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो 60 पर भी आपका अगर PaO2 60 mmHg, तब भी ब्रेन को सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन होता रहेगा। तो नो नीड टू गो फॉर 80 mmHg। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो हमारा काम क्या है, प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICP बढ़ता है तो हमें पेशेंट को, इसीलिए पेशेंट को देखा होगा कि ऑक्सीजन पे लगा देते हैं। ऑक्सीजन लगाने का उद्देश्य क्या होता है, बॉडी के अंदर से CO2 को एलिमिनेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द नर्स इज असिस्टिंग द मोटर फंक्शन ऑफ एन अनकॉन्शियस मेल क्लाइंट, द नर्स वुड प्लान टू यूज विच प्लान टू यूज of the which of the following to test the client's peripheral response to pain। अब पेशेंट, एक पेशेंट है, उसके मोटर फंक्शन को असिस करना है, तो इनमें से कौन सा यूज़ करेगी, कौन सी टेक्निक नर्स यूज़ करेगी पेरीफेरल रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। एक्सटर्नल रब, ऑप्शन बी नील बेड प्रेशर, ऑप्शन सी प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम, ऑप्शन डी स्क्वीजिंग ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमस्टॉइड मसल। तो अगर जिन लोगों ने काम किया न्यूरो के अंदर तो बहुत अच्छे से पता होगा कि नेल ब्लेड पर जब पेन करते हैं तो पेशेंट हाथों को क्या करता है, जो नील्स है उनके प्लेट से, नेल प्लेट जो हैं उन पर जोर से प्रेशर लगाया जाता है, तो पेशेंट अगर मोटर रिस्पॉन्स अच्छा है तो तुरंत हाथ को हटा लेता है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स इज योर नेल ब्लेड प्रेशर, नेल ब्लेड पर प्रेशर डालेंगे, नेल ब्लेड पर प्रेशर डालेंगे तो पेशेंट स्टर्नल रब से पेरीफेरल रिस्पॉन्स चेंज होगा, क्योंकि हाँ पेरीफेरल हाथों पैरों को चेक करना है, तो मेनली आपका क्या होगा, नेल ब्लेड पर प्रेशर डालना। तो राइट आंसर इज योर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द नर्स इज पोजिशनिंग द फीमेल क्लाइंट विद इंक्रीज इंटरक्रैनियल प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन वुड द नर्स अवॉइड। अब यहाँ देखो, ये मैंने पहले मेरे लेक्चर के अंदर बताया कि आपको कॉन्सनट्रेट करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। कई बार हम खुशी खुशी के अंदर ये गलती कर बैठते हैं कि इस अवॉइड को नहीं देखते हैं और आंसर गलत कराते हैं, क्योंकि ऑप्शन पहला सही लगता है और आपको कॉन्सेंट्रेट, यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन मैंने ऐसी गलती वाले क्वेश्चन ही डाले हैं, तो यहाँ ध्यान रखना कि कौन सी पोजिशन नहीं देनी है ये पूछा गया है। इनमें से बाकी दे सकते हैं ICP में, लेकिन ये पोजिशन नहीं दे सकते। ऑप्शन ए हेड मिडलाइन, ऑप्शन बी हेड टर्न टू द साइड, ऑप्शन सी नेक इन न्यूट्रल पोजीशन, ऑप्शन डी हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 to 45 degree। तो देखो, मैंने पहले कहा कि जब किसी पेशेंट का ICP बढ़ रहा हो तो अवॉइड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द पेशेंट एंड लेटरल मूवमेंट। तो पेशेंट के हेड का लेटरल मूवमेंट और फ्लेक्शन एक्सटेंशन को नहीं, तो पेशेंट के हेड को टर्न नहीं करना है। आप मिडलाइन के रख सकते हो, न्यूट्रल रख सकते हो, हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर सकते हो, बट कभी भी पेशेंट के हेड को मूव नहीं कराना है।
राइट, पेशेंट के हेड को मूव नहीं करना देती। यहाँ पूछा क्या है, अवॉइड, कौन सी पोजीशन अवॉइड करते हैं, तो राइट आंसर इज योर बी, हेड टर्न टू द साइड, कि पेशेंट को साइड टू साइड मूव नहीं कराना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेल क्लाइंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज प्रोन टू एक्सपीरियंस ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, द नर्स वुड अवॉइड। देखो ये दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने यही कहा है, आपको इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है, नर्स वुड अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिकरेंस, कौन सा जो है वो अवॉइड करेगी नर्स रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अकरेंस, ये वापस ना हो। चलो, स्ट्रिक्ट अडेयर टू अ बोवल रिटेनिंग प्रोग्राम, कीपिंग द लीन एंड रिंकल्स फ्री अंडर द क्लाइंट, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन द लोअर लिम, लिमिटिंग ब्लेडर कैथेटराइजेशन टू वंस एवरी 12 आवर। तो नर्स क्या करेगी, 12 घंटे में कैथेटर डालेगी, या नर्स क्या करेगी, बोवल रिटेनिंग प्रोग्राम कराएगी, ऑप्शन बी है लीनन को रिंकल फ्री रखेगी। तो देखो इसमें नॉक्शियस स्टिमुलाई, क्योंकि आपको देखो ये लीनन, लीनन अगर रिंकल्स हुए तो वो भी नॉक्शियस स्टिमुलाई है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ सकता है। अननेसेसरी प्रेशर अगर लोअर लिम पे है तब भी सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ सकता है। तो दीज आर द नॉक्शियस स्टिमुलाई। बट मैंने आपको कहा था इसे लास्ट वाले थर्ड वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है, तो पेशेंट को कंपलसरीली 2 से 4 घंटे ब्लेडर फुल नहीं होने देना है। अगर नर्स 12 घंटे तक ब्लेडर को फुल होने देगी तो क्या होगा, ब्लेडर अगर फुल होता है तो वो भी क्या करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाएगा। तो वहां कहा था स्ट्रिक्टली 4 से 6 घंटे के अंदर, वैसे 2 से 4 घंटे उसका जवाब था, बट अगर 4 से 6 घंटे के अंदर नर्स को कंपलसरीली कैथेटराइज करके यूरिन को बाहर निकालना, लिमिट नहीं करना, बंद नहीं करना, कम नहीं करना, 12 घंटे तक कैथेटराइज नहीं, अगर 12 घंटे तक नर्स कैथेटराइज नहीं करेगी तो पेशेंट में हैव चांस ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो यहाँ कौन सी चीज़ को अवॉइड करनी है, दैट इज योर राइट आंसर इज योर डी, लिमिटिंग ब्लेडर कैथेटराइजेस टू वंस एवरी 12 आवर, इसकी जगह हमें लिमिटिंग कम करना 2 to 4 आवर या 4 to 6, राइट आंसर इज योर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। द नर्स इज असाइन टू केयर फॉर अ फीमेल क्लाइंट विद अ कंप्लीट राइट साइडेड हेमिपेरेसिस, द नर्स प्लान केयर नोइंग दैट दिस कंडीशन इज कंप्लीट राइट साइडेड हेमिपेरेसिस है, तो इससे नर्स क्या समझेगी। ऑप्शन ए है द क्लाइंट हैज कंप्लीट बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ द बोथ ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, कि दोनों आर्म और दोनों लेग का पैरालिसिस। ऑप्शन बी द क्लाइंट हैज वीकन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द फेस एंड टंग। ऑप्शन सी द क्लाइंट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव द राइट arm but is able to walk independently. Option D, the client has lost the ability to move the right arm but is able to walk independently. तो hemiparesis है अगर right sided तो patient चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अगर complete right sided hemiparesis बोला है, that means complete right sided hemiparesis, तो जिसके अंदर आपका face भी आ गया, आपकी tongue भी आ गई और दोनों limb भी, right side के दोनों limb भी आ गए, right upper arm and lower limb दोनों आ गए, upper limb और lower limb दोनों आ गए। तो right answer is your B, the client has weakened of the right side of the body including the face and tongue. तो right answer is your B. Next question के लिए चलते हैं, question number 14. A female client has experienced an episode of myasthenia crisis. यहाँ पूछा गया myasthenia crisis. The nurse would assess whether the client has precipitating factors such as the myasthenic crisis होने के पीछे क्या कारण है? Option A, getting too little exercise. Option B, taking excess medication. Option C, omitting dose of medication. Option D, increase intake of medication. Food. इंक्रीज इंटेक ऑफ फैटी फूड। तो ऑप्शन ए है, देखो यहाँ पर गेटिंग टू लिटिल एक्सरसाइज, बी टेकिंग एक्सेसिव मेडिकेशन, ऑमिटिंग डोज ऑफ मेडिकेशन। तो यहाँ ध्यान रखना कि पेशेंट को दो चीज़ें, या तो कॉलिनर्जिक क्राइसिस होगा या फिर मायस्थेनिया क्राइसिस होगा। तो मायस्थेनिया क्राइसिस के पीछे रीजन क्या है, लो डोज मायस्थेनिया क्राइसिस, हाई डोज कॉलिनर्जिक क्राइसिस। तो जब भी अगर पेशेंट को लो डोज होता है, लो डोज लेता है पेशेंट, जितना रिक्वायर्ड डोज है उसके परसिस्टेंट लो डोज लेता रहता है तो उसकी वजह से पेशेंट को मायस्थेनिया क्राइसिस होता है। लेकिन जितना रिक्वायर्ड डोज है उससे हाई डोज लेता रहता है तो क्या होगा, कॉलिनर्जिक क्राइसिस होगा। तो यहाँ जवाब क्या होगा, मायस्थेनिया क्राइसिस का ऑमिटिंग डोजेज ऑफ मेडिकेशन। राइट आंसर इज योर सी इज द राइट आंसर, ऑमिटिंग डोजेज ऑफ मेडिकेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द नर्स इज टीचिंग अ फीमेल क्लाइंट विद मायस्थेनिया ग्रेव्स अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मायस्थेनिक एंड कॉलिनर्जिक क्राइसिस, कि पेशेंट को नर्स मायस्थेनिया ग्रेव्स का है तो उसको क्या प्लान टीच करेगी कि उसको मायस्थेनिया क्राइसिस भी ना हो और कॉलिनर्जिक क्राइसिस भी ना हो। तो द नर्स टेल द क्लाइंट दैट दिस इज मोस्ट इफेक्टिव डन बाय, तो ऐसी कौन सी बात नर्स कहेगी पेशेंट को जो उसके लिए मायस्थेनिया क्राइसिस को और कॉलिनर्जिक क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव होगी। ऑप्शन ए, ईटिंग लार्ज वेल बैलेंस्ड मील। ऑप्शन बी, डूइंग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ऑप्शन सी, डूइंग ऑल चोर्स अर्ली इन द डे वाइल लेस फटेक। ऑप्शन डी, टेकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम टू मेंटेन थेरापेटिक ब्लड लेवल। तो अब यहाँ पर अगर लो लेवल गया तो मायस्थेनिया क्राइसिस होगा, हाई लेवल ज़्यादा चला गया तो क्या होगा,
और इंजेक्ट क्राइसिस। तो पेशेंट को कहना है कि भाई जो दवाई दी जा रही है वो दवाई आपको टाइम टू टाइम लेनी है ताकि जो एडिक्वेट लेवल है ब्लड के अंदर ड्रग का वो बना रहे। अगर कम हो गया तो मायसिन क्राइसिस में चला जाएगा और ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कॉलिनर्जिक क्राइसिस में चला जाएगा। तो राइट आंसर इज योर डी, टेकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम टू मेंटेन थेरापेटिक ब्लड लेवल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ गुलेन-बार सिंड्रोम। द नर्स इंक्वायर ड्यूरिंग द नर्सिंग एडमिशन इंटरव्यू इफ द क्लाइंट हैज हिस्ट्री ऑफ। ये क्वेश्चन भी एम्स कंबाइंड के अंदर पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि गुलेन-बार सिंड्रोम का पेशेंट है और हिस्ट्री लेते समय ऐसी कौन सी बात कही जाएगी कि जो इंडिकेट करेगी हाँ पेशेंट को गुलेन-बार सिंड्रोम इस वजह से हो सकता है। ऑप्शन ए सीजर और ट्रॉमा टू द ब्रेन, ऑप्शन मेनजाइटिस ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, ऑप्शन सी बैक इंजरी और ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस मंथ। तो राइट आंसर इज योर डी, पेशेंट को जीआईटी या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है ना, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की वजह से जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपका कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है, वो भी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो आपका क्या कर सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और इसकी वजह से आपका जीबीएस हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आएगा ही आएगा, कम से कम 5 से 10 बार पूछा गया है। तो राइट आंसर इज योर डी, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अ फीमेल काइंड ऑफ गुलेन-बार सिंड्रोम हैज असेंडिंग पैरालिसिस एंड इज इंट्यूबेटेड एंड रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेटर। दैट मींस असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे। पहले लेग के अंदर आया, फिर वहाँ से रेस्पिरेशन के अंदर गया, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा, और पेशेंट को पेशेंट किस पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से मैकेनिकल वेंटिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड द नर्स इनकॉर्पोरेट इन द प्लान ऑफ केयर टू हेल्प द क्लाइंट कोप विद दिस इलनेस। ऑप्शन ए गिविंग क्लाइंट फुल कंट्रोल ओवर केयर डिसीजन एंड रेस्ट्रिक्टिंग विजिटर्स, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक एंड एनकरेजिंग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन गिविंग पॉजिटिव फीडबैक एंड एनकरेजिंग रिलैक्सेशन, प्रोवाइडिंग इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर सेडेटिव रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड लिमिटिंग विजिटर्स। तो यहाँ पर आपका जो सबसे इफेक्टिव है वो है क्या, नर्स क्या इंक्लूड करेगी, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, देन योर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक एंड एंकरेजिंग रिलैक्सेशन के पेशेंट को कहना, क्योंकि वो रेंज ऑफ मोशन तो कर नहीं सकता, पैरालिसिस है तो रेंज ऑफ मोशन नहीं कर सकता, तो उसको कहना कि आपको रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, गुलेन-बार ट्रीक होने में लंबा टाइम लगता है, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है। तो राइट आंसर इज सी, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन गिविंग पॉजिटिव फीडबैक एंड एंकरेजिंग रिलैक्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अ फीमेल क्लाइंट हैज अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इन्वॉल्विंग द लिम्बिक सिस्टम स्पेसिफिक टू द दिस टाइप ऑफ डेफिसिट। द नर्स वुड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइंट्स बिहेवियर। तो यहाँ लिम्बिक सिस्टम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए है इज डिसऑरियंटेड टू पर्सन प्लेस एंड सेरेब्रल टाइम। तो पेशेंट डिसऑरियंटेड इज, ये जो लिम्बिक सिस्टम है वो रिलेटेड है पर्सन प्लेस और डिसऑरियंटेशन से। ऑप्शन बी अफेक्ट इज फ्लैट विद पीरियड्स ऑफ इमोशन एंड लेबिलिटी, कैन नॉट रिकॉल दैट what has eaten for breakfast today, demonstrate inability to add and subtract, does not know who is president. Yes, जो memories है उसके लिए आपका cerebral area है वो जिम्मेदार हैं, past events है आप hippocampus, उसके बाद आपका displaced time and person, orientation है वो आपका बैलेंस है, ओरिएंटेशन, सेरिब्रम वगैरह, तो ये इसके लिए। बट जो लिम्बिक सिस्टम है वो आपके इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिम्बिक सिस्टम है वो आपके इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर लिम्बिक सिस्टम के अंदर है तो आपका राइट आंसर क्या हो, अफेक्ट इज फ्लैट विद पीरियड्स ऑफ इमोशन लेबिलिटीज, तो राइट आंसर इज योर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अ फीमेल क्लाइंट एडमिटेड एन एक्यूट केयर फैसिलिटीज आफ्टर अ कार एक्सीडेंट डेवलप्स साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। द क्लाइंट इज इंट्यूबेटेड एंड प्लेस्ड ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन टू हेल्प रिड्यूस आईसीपी। टू प्रिवेंट अ फर्दर राइजिंग आईसीपी कॉज्ड बाय सक्शनिंग, द नर्स एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेशन विच ड्रग एंडोट्रेकल बिफोर सक्शनिंग। तो सक्शन से पहले कौन सी ड्रग दी जाएगी, राइट ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ऑप्शन ए फिनाटोइन, ऑप्शन बी मेनिटोल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी फ्लूसेमेंट। तो एंडोट्रिकल फिनाटोइन एंडोट्रिकल नहीं दी जाती, मेनिटोल एंडोट्रिकल नहीं दी जाती। फिनाटोइन सीजर्स को कम करता है, सीजर्स के लिए दी जाती है, मेनिटोल आईसीपी को कम करने के लिए, लेकिन यह एंडोट्रिकल नहीं दी जाती, यह आईवी दी जाती है। तो कौन सी ड्रग दी जाती है, लिडोकेन जो है, ज़ाइलोकेन जो है वो आपका एंडोट्रिकली दी जा सकती है और ये आईसीपी को कम करने के लिए काम आती है। तो राइट आंसर इज योर सी लिडोकेन, राइट आंसर इज योर सी लिडोकेन, जो एंडोट्रेक के लिए दी जाती है और जो आईसीपी को रिड्यूस करती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। आफ्टर स्ट्राइकिंग हिज हेड ऑन अ ट्री व्हाइल फॉलिंग फ्रॉम अ ब्लैडर, अ यंग मैन एज 18 इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ही इज अनकॉन्शियस एंड हिज पल्स आर
एंड हिज प्यूपिल्स आर नॉन डिटेक्टिव, विच इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट डेंजरस फॉर द क्लाइंट? अब इनमें से विच इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट डेंजरस फॉर द क्लाइंट? पेशेंट लैडर से गिर गया और वो उसकी प्यूपिल जो है वो नॉन डिटेक्टिव हो गई, फिक्स हो गई, दैट मीन्स आईसीबी बढ़ गया है. आईसीबी बढ़ा हुआ है तो कौन सा इसमें से जो काम करेंगे जो ज़्यादा डेंजरस हो पेशेंट के लिए? गिव हिम अ बारबिट्यूरेट्स, प्लेस हिम ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, परफॉर्म अ लंबर पंक्चर. ऑप्शन डी, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड. हिज अनकॉन्शियस एंड हिज पीपल आर, विच इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट डेंजरस फॉर द क्लाइंट? तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या कौन सा प्रोसीजर जो ज़्यादा डेंजर है? बारबिट्यूरेट्स देंगे तो पेशेंट आपका जो लेवल है अनकॉन्शियस है. दूसरा बी, मैकेनिकल वेंटिलेटर देते हैं, लेकिन पेशेंट का लंबर पंक्चर नहीं करना. आईसी बड़े हुए जब आईसी की हो तो लंबर पंक्चर अवॉइड कर दे, अदरवाइज क्या होगा, ब्रेन हर्निएट हो जाएगा, है ना. अगर अरे इसलिए आईसी की है तो अवॉइड लंबर पंक्चर, अदरवाइज ब्रेन हर्निएट हो जाएगा एंड पेशेंट में लीड टू द कोमा. पेशेंट आपका कोमा या परमानेंट ब्रेन डेथ हो जाएगा, राइट. तो राइट हमें क्या करना है, परफॉर्म अ लंबर पंक्चर. इस कंडीशन के अंदर हमें लंबर पंक्चर नहीं करना है. तो राइट आंसर इज योर सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट विद पार्किंसंस क्राइसिस? अगर किसी पेशेंट को पार्किंसंस क्राइसिस है तो कौन सा इंटरवेंशन प्रायोरिटी पे होगा? ऑप्शन ए, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट. ऑप्शन बी, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, रिस्क फॉर इंजरी. अब पार्किंसंस डिजीज है तो शफलिंग गेट होगा पेशेंट का, राइट. स्मार्ट, तो इसके अंदर मास्क लाइक फेस, एकेथीसिया, तो एकाइनेसिया होगा, पेशेंट एकाइनेसिया का होगा, मूवमेंट नहीं होगा. और ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है. तो वी शुड नो अबाउट द, सॉरी, पेशेंट को इंजरी हो सकती है. इसके अलावा क्या हो सकता है, हमें ऐसे पेशेंट गिर जाएगा, एस एम ए आर टी स्मार्ट, सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस, SMART, एस फॉर शफलिंग गेट, मास्क लाइक फेस, ए फॉर एकाइनेसिया एंड आर फॉर रिजिडिटी एंड टी फॉर ट्रेमर. तो देखो, अगर पेशेंट आपका पार्किंसंस क्राइसिस के अंदर है, दैट मीन्स सीवियर डिसेबिलिटी है, राइट, तो मस्कुलर वीकनेस होगी और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट स्वालू नहीं कर पाएगा, गैग जो है वो पुअर हो जाएगा, गैग पुअर होगा. तो आपका आंसर क्या होगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस. राइट आंसर इज योर इनफेक्टिव. मायस्थेनिया आपकी पार्किंसंस क्राइसिस के अंदर आपकी प्रायोरिटी होगी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, लेकिन पार्किंसंस डिजीज दे रखा है तो उस कंडीशन के अंदर होगी आपकी रिस्क फॉर इंजरी. क्राइसिस है, पार्किंसंस क्राइसिस है तो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, लेकिन पार्किंसंस डिजीज है तो रिस्क फॉर इंजरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टू एनकरेज एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक फॉर अ फीमेल क्लाइंट विद अल्जाइमर डिजीज, द नर्स शुड इंक्रेज एडिक्वेट न्यूट्रिशन. पेशेंट अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले अल्जाइमर डिजीज के अंदर तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, स्टे विद द क्लाइंट एंड इंकरेज हिम टू इट, हेल्प द क्लाइंट फिल आउट हिज मेन्यू, गिव द क्लाइंट प्राइवेसी ड्यूरिंग मील्स, फिल आउट द मेन्यू फॉर द क्लाइंट. देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पेशेंट अकेला होगा तो ढंग से खाना नहीं खा पाएगा और वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाया, अल्जाइमर है तो प्रॉपरली उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा. तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के पास बैठना है, क्योंकि कपड़ों पे गिरेगा तो ऑकवर्ड फील करेगा और ढंग से खाना नहीं खा पाएगा. तो हमें पेशेंट क्या करना है, पेशेंट के साथ रहना है, इंकरेज हिम टू इट, स्टे विद द क्लाइंट एंड इंकरेज हिम टू इट, उसको खाना खाने के लिए प्रेरित करना है. तो सही जवाब होगा आपका आंसर ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑन मेल क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सबड्यूरल हेमेटोमा, दिस टेस्ट असिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पूछा क्या गया कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, अब एमएससी क्यों किया जाता है? एनीवन? ऑप्शन ए, सेरिब्रल फंक्शन. ऑप्शन बी, इंटेलेक्चुअल फंक्शन. ऑप्शन सी, सेरिब्रल फंक्शन. एंड ऑप्शन डी, सेंसरी फंक्शन. तो देखिए, जो एमएससी है वो मेनली आपका जो किया जाता है वो सेरिब्रल फंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एक्चुअल फंक्शन में पेशेंट का बैलेंस भी आ जाता है, राइट. तो वो इंटेलेक्चुअल बैलेंस है तो वो दैट इज़ रिलेटेड टू द सेरिब्रलम. तो यहाँ पर आपका एमएससी के अंदर प्योरली क्या किया जाता है, सेरिब्रल फंक्शन को असेस किया जाता है. राइट आंसर इज योर सी. क्वेश्चन नंबर 24, shortly after admission to an acute care facility, a male client with seizure disorder develops status epilepticus. The physician order diazepam 10 mg IV state. How soon can the nurse administer second dose of diazepam if needed and prescribed? तो अगर second dose patient को कब दिया जा सकता है? Option A, in 30 to 45 second. Option B, in 10 to 15 minute. Option C, in 30 to 45 minute. Option D, in 1 to 1
यू आर। तो यहाँ पर आपको जो सेकेंड डोज है वो कितनी देर के अंदर दे सकते हैं, 10 to 15, 10 मिलीग्राम आई वी स्टेट दिया, उसके बाद आप तुरंत मैक्सिमम जो डोज दिया जा सकता है एक बार के अंदर वो 30 मिलीग्राम दिया जा सकता है, और पूरे दिन के अंदर जो मैक्सिमम दिया जा सकता है वो 100 मिलीग्राम दिया जा सकता है, राइट। तो 30 मिलीग्राम अगर आप एक बार में देते हो, तो रिपीटेड दूसरा डोज देना है तो उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना होगा, और 10 से 15 मिनट के बाद आप दूसरा डोज दे सकते हैं। तो एक बार में मैक्सिमम जो दिया जा सकता है वो 30 मिलीग्राम दिया जा सकता है, और पूरे दिन के अंदर जो मैक्सिमम दिया जा सकता है वो 100 मिलीग्राम दिया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा आपका बी, 10 to 15 मिनट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अ क्लाइंट एज 22 इज एडमिटेड इन विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, विच हॉस्पिटल रूम वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर दिस क्लाइंट। तो पहला बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो पहले 24 घंटे पेशेंट क्या होगा, फर्स्ट 24 घंटे वो मोस्ट इन्फेक्शियस होगा, तो पहले 24 घंटे उसको आइसोलेट रखना कंपलसरी है। तो ऑप्शन ए है, ए प्राइवेट रूम डाउन द हॉल फ्रॉम द नर्सेस स्टेशन। पहले 24 घंटे आप अगर जितने उसको नर्सेस स्टेशन के पास ही रखना है, दूर नहीं रखना है, क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस होगा और उसको असिस्ट करना बहुत कंपलसरी होगा। ऑप्शन बी, एन आइसोलेशन रूम 3 डोर्स फ्रॉम द नर्स स्टेशन। तो ये आपका 3 डोर आइसोलेशन रूम, क्योंकि आइसोलेशन होगा और वो नर्स से 3 डोर ही दूर होगा, तो यहाँ पर ये करेक्ट है बी, क्योंकि उसको आइसोलेट रखना है पहले 24 घंटे। ऑप्शन सी है, सेमी प्राइवेट रूम विद 32 ईयर, तो कंबाइन तो रखना ही नहीं है। ऑप्शन डी, अ 2-बेडरूम विद अ क्लाइंट हु प्रीवियसली हैड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ रखो तो वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा, जो दूसरा पेशेंट है जो अभी भी रिकवर होगा वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा, तो उसमें भी नहीं रखेंगे। तो आपका सही जवाब होगा बी, आइसोलेशन रूम 3 डोर फ्रॉम द नर्स स्टेशन। तो नर्सिंग स्टेशन के पास ही रखना और आइसोलेशन के अंदर रखना है, ताकि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती रहे। तो राइट आंसर इज योर बी। ये आपके 25 क्वेश्चन हुए, तो कुल मिलाकर हमने नर्सिस सिस्टम के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 से ही नर्वस सिस्टम के ये आपने कवर कर लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नर्वस सिस्टम यू हैव कवर्ड, लाइक गाइस। तो अब आगे स्टार्ट करें देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखेंगे, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।